क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया के लिए साल 2019 बेहद शानदार रहा और हर मोर्चे पर भारत को सफलता मिली। हालांकि बस वर्ल्ड कप में थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन अब यही गलती इस साल यानी कि 2020 में ठीक की जा सकती है। तो साल 2020 के लिए टीम इंडिया की सीरीज और मैचों के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल आ गया, जिसमें हर महीने शानदार मैचेस होने वाले हैं और टीम इंडिया के फैंस को साल भर बड़ी टीमों के साथ रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो आपको दिखाते हैं साल 2020 के लिए टीम इंडिया के मैचों का पूरा शेड्यूल। आप भी इन तारीखों को आज ही नोट कर लीजिए, साथ ही टीम इंडिया के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो साल 2020 में टीम इंडिया कई सीरीज खेलने वाली और कई बड़ी टीमों के खिलाफ। तो जनवरी के ही महीने में तीन देशों के साथ अलग अलग सीरीज होगी, जिसमें पहले ही महीने 10 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। तो आपको पूरी लिस्ट बताते हैं। साल 2020 में टीम इंडिया के अभियान की शुरुआत श्रीलंका के साथ होगी और श्रीलंका के साथ तीन T20 मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 मैच 5 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा, तो दूसरा मैच 7 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा और 10 जनवरी को तीसरा T20 मैच पुणे में खेला जाएगा। ये तीनों ही मैच नाइट मैच होंगे, यानी कि शाम 7 बजे से। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आएगी और ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। 14 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच मुंबई में होगा, तो दूसरा वनडे मैच 17 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। तीसरा वनडे मैच पुणे में खेला जाएगा, ये 19 जनवरी को, और तीनों ही मैच डे नाइट होंगे, दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हो जाएगी, जहां T20 वनडे और टेस्ट तीनों ही सीरीज खेली जाएंगी। 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच खेला जाएगा और ये होगा ऑकलैंड में दोपहर 12:30 बजे से। इसके बाद दूसरा T20 मैच 26 जनवरी को होगा, ये भी ऑकलैंड में ही होगा। तो तीसरा T20 मैच 29 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। चौथा मैच 31 जनवरी को वेलिंगटन में होगा, तो पांचवा मैच 2 फरवरी को माउंट मौंगानुई में होगा। इसके बाद वनडे सीरीज होगी, 5 फरवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच हैमिल्टन में खेला जाएगा और 8 फरवरी को दूसरा मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा। 11 फरवरी को तीसरा वनडे मैच माउंट मौंगानुई में खेला जाएगा। तीनों ही वनडे मैच सुबह 7:30 बजे से होंगे भारतीय समय के मुताबिक। इसके बाद भारतीय टीम दो टेस्ट मैच भी खेलेगी, 21 से 25 फरवरी के बीच वेलिंगटन में भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच होगा और इसका समय है सुबह 4 बजे। वहीं 29 फरवरी से 4 मार्च के बीच में न्यूजीलैंड और भारत में दूसरा टेस्ट मैच होगा क्राइस्टचर्च में और ये भी सुबह 4 बजे से ही खेला जाएगा। न्यूजीलैंड सीरीज के तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत आएगी और मार्च में 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। 12 मार्च को भारत साउथ अफ्रीका के बीच धर्मशाला में पहला वनडे मैच होगा, तो दूसरा वनडे मैच 15 मार्च को लखनऊ के मैदान में खेला जाएगा। 18 मार्च को तीसरा वनडे मैच कोलकाता में खेला जाएगा और ये तीनों ही मैच दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे। इन तीन मैचों के बाद भारत को एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच होने वाले दो T20 मैचों में भी शामिल होना है, जिसमें भारत के 5 बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। और इसके ठीक बाद 2 महीने का IPL खेला जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया भर के खिलाड़ी शामिल होंगे। IPL के तुरंत बाद जून और जुलाई 2020 में भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी। यहां 3 वनडे मैच और 3 T20 मैच खेले जाएंगे, हालांकि इनकी तारीखें अभी घोषित होना बाकी है। वहीं इसके बाद अगस्त 2020 में भारत का जिम्बाब्वे दौरा भी प्रस्तावित है, हालांकि इस पर ग्रहण भी लग सकता है क्योंकि जिम्बाब्वे टीम पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसके बाद सितंबर 2020 में एशिया कप खेले जाएगा और वो भी वनडे फॉर्मेट में, जिसमें 12 वनडे मैच होंगे और 1 फाइनल मैच। फिलहाल ये मैच शारजा या अबू धाबी में खेले जा सकते हैं। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2020 में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाना है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी और 3 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी और इन 3 T20 मैचों के बाद वर्ल्ड कप खेला जाएगा T20 का, जिसमें भारतीय टीम कई मैच खेलेगी। 24 अक्टूबर से भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में अभियान शुरू होगा और 8 नवंबर तक भारतीय टीम अपने 5 लीग मैचेस खेलेगी। इसके बाद आगे के मैच भी होंगे। वर्ल्ड कप के ठीक बाद एक बार फिर से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के ही दौरे पर जाएगी, जहां पर 4 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे, जिसमें से 1 टेस्ट मैच डे नाइट भी खेला जाएगा। और इसके बाद जनवरी से मार्च 2021 के बीच इंग्लैंड की टीम भारत का दौरा करेगी, जिसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगले 12 से 14 महीने टीम इंडिया का शेड्यूल बेहद टाइट है और हर बड़ी टीम के खिलाफ टीम इंडिया मैचेस खेलेगी और बड़े रोमांचक मैचेस और सीरीज होने वाले हैं।
तो आप भी इन तारीखों को आज ही नोट कर लीजिए। फिल्म मीडिया रिपोर्ट। क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें।